हेलो एवरीवन, ये वीडियो जाफरी चौसर के एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स के बारे में है। जाफरी चौसर एक इंग्लिश पोइट थे जिनका जन्म लंदन में हुआ था और ये 14 सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट पोइट के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में भी जाना जाता है। चौसर का ये जो वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, ये 1387 से 1400 के बीच में लिखा गया और ये कलेक्शन ऑफ टेल्स है, यानी इसमें आपको मल्टीपल स्टोरीज देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे द अरेबियन नाइट्स, द डेकामेरन, द सेवन सेजेस में देखने को मिलते हैं। इन सारे वर्क में कलेक्शन ऑफ टेल्स है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। देर आर 24 टेल्स इन द कैंटरबरी टेल्स। सो कैंटरबरी टेल्स में जो स्टोरीज है उसका जो संख्या है वो 24 है एंड इट इज वाइडली रिगार्डेड एज चौसर्स मैग्नम ओपस और मास्टरपीस। इसे चौसर का मैग्नस ओपस कहा जाता है जिसका मतलब होता है मास्टरपीस। इट इज सेड दैट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड द कंपोजिशन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। ऐसा कहा जाता है कि कैंटरबरी टेल्स के कंपोजिशन के पीछे एक स्टोरीज है और मिडिवल पीरियड में, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो मिडिल पीरियड था, उसमें जो पिलग्रिमेज था वो काफ़ी पॉपुलर था। लोग अपने डिवोशनल पर्पज़ के फुलफिलमेंट के लिए जो भी उनका होली प्लेसेस था वहाँ वो जाया करते थे रेगुलरली। एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिवोशनल पर्पजेज चौसर एंड हिज कंपनीज गैदर्ड एट साउथवर्क टावर्ड इन टू विजिट देयर होली प्लेस थॉमस अ बैकेट एट कैंटरबरी टेल्स। और चौसर अपनी कंपनीज अपने लोगों के साथ साउथवर्क टावर्ड इन में इकट्ठे होते हैं और ये सारे लोग अपने जो डिवोशनल पर्पसेस है और उनका जो डिवोशनल या जो प्लेस है या जो होली प्लेस है थॉमस अ बैकेट, वहाँ ये लोग जाने के लिए रेडी है। और इन जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनका जो संख्या है वो 29 है एंड दे वर होस्टेड बाई हैरी वैली, और इन लोगों का जो होस्ट है वो हैरी वैली है। सो ही सजेस्टेड देम टू टेल टू टेल्स ऑन द आउटवर्ड जर्नी एंड टू टेल्स ऑन द रिटर्न फॉर रिवीलिंग द टीडियम ऑफ द जर्नी। हैरी वैली एज ए होस्ट सबको सजेशन देते हैं कि क्यों ना जो जर्नी है उसका जो बाउपन है उससे उसको दूर करने के लिए सारे जो पिलग्रिम्स है वो सब दो स्टोरी जाने के समय दो स्टोरी आने के समय कहेंगे। द वन हु टेल द बेस्ट टेल विल बी ट्रीटेड बाई ऑल द टेस्ट ऑफ द पिलग्रिम, और ऐसा वो हैरी वैली कहते हैं। और जिनका भी स्टोरी बेस्ट होगा उन सब उनका उनको चुना जाएगा और उनको ट्रीट दिया जाएगा जो भी बचे हुए पिलग्रिम्स है उनके द्वारा। सो अगर हम हैरी वैली के सजेशन को देखें तो इसमें टोटल ओवरऑल 100 से अबव टेल्स होने चाहिए थे, वो स्टोरी होने चाहिए थे, लेकिन आपको कैंटरबरी टेल्स में केवल आपको 24 टेल्स मिलेंगे और ये सारे जो टेल्स है वो उन सब से पहले आपको प्रोलॉग आता है। अभी हम लोग देख लेते हैं प्रोलॉग है क्या। सो प्रोलॉग का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है कि एन इंट्रोडक्टिव सेक्शन ऑफ ए लिटरेरी वर्क। किसी भी लिटरेरी वर्क में, चाहे वो पोएट्री हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, ड्रामा हो, उन सब में उन सब से पहले अगर उसका इंट्रोडक्टिव सेक्शन होता है तो उसे प्रोलॉग कहेंगे। सो कैंटरबरी टेल्स में भी प्रोलॉग है और ये कैंटरबरी टेल्स का एक इंट्रोडक्टिव सेक्शन है जिसे चौसर के द्वारा लिखा गया और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें कुछ यूनिक फीचर्स है लाइक ए फ्रेंडली टोन, ह्यूमरस, सटायरिकल कंक्रीटनेस। चौसर प्रोलॉग के नैरेटर हैं और इस प्रोलॉग में वो अपने जो भी फेलो पिलग्रिम्स है उसको वन आफ्टर अनदर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो किस क्लास से है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, साथ ही उनमें क्या वर्चू है या वाइस है, इन सब के बारे में उस प्रोलॉग में वो लिखते हैं। ही ऑल्सो नैरेट द नेचुरल सराउंडिंग्स एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इन द प्रोलॉग। साथ ही साथ आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो भी उनका कंटेम्प्रेरी सोसाइटी था या जो नेचुरल सराउंडिंग्स था वो किस टाइप का था, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। द पिलग्रिम्स लाइक द मेडिवल सोसाइटी ऑफ विच दे आर पार्ट आर मेड ऑफ थ्री सोशल ग्रुप्स ऑफ स्टेट। द थ्री स्टेट्स आर नोबिलिटी, चर्च एंड कॉमर्स। साथ ही साथ जो 29 पिलग्रिम्स है आप उन सबको तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो पहला कैटेगरी है वो है नोबिलिटी, सेकेंड है आपको चर्च और थर्ड है कॉमनर्स। यानी कुछ जो पिलग्रिम्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास से है, कुछ पिलग्रिम्स चर्च से है बिलोंग करते हैं और कुछ जो पिलग्रिम्स है वो कॉमनर्स है। यहाँ लिस्ट है टोटल 29 पिलग्रिम्स का जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इसे अब देख सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं प्रोलॉग का जो ओपनिंग लाइन है और कंक्लूडिंग लाइन है। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन में ये लाइन, ओपनिंग और कंक्लूडिंग लाइन आपको लॉन्ग आंसर में भी हेल्प करेगा अगर आप इसे कोटेशन के रूप में देते हैं। सो जो ओपनिंग लाइन है जिससे प्रोलॉग स्टार्ट होता है वो है वेन इन अप्रैल द स्वीट सावर फॉल एंड पास द ड्रॉट ऑफ मार्च टू द रूट एंड ऑल द वेन्स आर बाथ इन लीकर ऑफ सच पावर एज ब्रिंग्स अबाउट द इंजेंटिंग ऑफ द फ्लावर। नाउ लेट अस राइड एंड लिसन टू व्हाट आई से एंड That word we started on our way, and in a cheerful style he then began at once to tell his tale, and thus it ran. So, ये concluding line है। और
जो जितने भी वर्स का इसमें यूज किया गया है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गया है और ये कपलेट में है। अभी हम लोग जो मेजर जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पिलग्रिम्स या जो कैरेक्टर उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे द नाइट है, सो इन द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स द नाइट वॉज द फर्स्ट पिलग्रिम who was portrayed by Chaucer. According to poet, the knight was most distinguished man who fought in different countries like Russia, Persia, North Africa, etc. Chaucer likhte hain ki ye jo knight hai wo most distinguished man hai jinhone different countries mein ladaiyan ladi aur ye sath hi sath ye follow karte hain chivalry ko, truth ko, honor ko. Inke hisab se, Chaucer ke hisab se jo knight hai wo true, perfect aur gentle knight hai aur inke paas kuch fine horses tha jo unhe help kiya tha unke different battles mein. जो नेक्स्ट कैरेक्टर है या पिलग्रिम है वो है स्क्वायर, जिसे द नाइट सन भी आप लिख सकते हैं। सो द नाइट सन के बारे में लिखते हैं, द नाइट सन वाज ए फाइन यंग स्क्वायर, ये यंग थे, साथ ही साथ ये लवर थे, कैडेट थे और एक लैड ऑफ फायर थे। इनका जो एज था वो 21 ईयर ओल्ड थे और साथ ही साथ इनका जो लेंथ है उनके बारे में लिखते हैं कि वो जो नाइट के सन है वो मॉडरेट लेंथ के थे। एंड ही लुक्ड लाइक फ्रेश फ्लावर, ही वाज सिंगिंग एंड फ्लूटिंग ऑल द डे। जब वो जर्नी कर रहे होते हैं तो जो नाइट के बेटे हैं वो हमेशा पूरे दिन वो सिंगिंग फ्लूटिंग ये सब करते हैं। साथ ही साथ वो लिखते हैं, ही हैड लर्नड हाउ टू राइट हॉर्स, मेक सॉन्ग्स एंड पोएम, एंड ही वाज कोर्टियस, लॉली, सर्विसेबल एंड क्रेप टू सर्व हिज फादर एट द टेबल। किस टाइप से वो हमेशा ही अपने फादर के सर्विस में हमेशा खड़े रहते थे। साथ ही साथ इनके जो बेटे थे उनको राइडिंग करना, मेकिंग सॉन्ग्स और पोएम्स ये सब कुछ में वो स्किल्ड थे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है या पिलग्रिम्स है वो है नन या प्रायरस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत बार इनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। उनके बारे में लिखते हैं कि जो नन है उनको मैडम इगलटाइन के रूप में जाना जाता था, एंड सी यूज टू सिंग थ्रू हर नोज एंड स्पोक डेंटली इन फ्रेंच बट नॉट इन पेरिस स्टाइल। सो वो अपने नाक से ही गाना गाया करती थी और कोशिश करती थी फ्रेंच बोलने का, बट वो प्रॉपर जो पेरिस स्टाइल उसमें नहीं बोल पाती थी। साथ ही साथ उनका जो ईटिंग स्टाइल था उनके बारे में कहते हैं कि वो यूनिक था और वो बहुत ही केयरफुली खाना खाती थी। साथ ही साथ जो उनका अपर लिप्स था उसको बहुत केयरफुली वो साफ करती थी। सी वॉज इंटरटेनिंग, प्रेजेंट एंड फ्रेंडली। अब वो एक टाइप से आप देखेंगे नेक्स्ट पैसेज में किस टाइप से वो एक सेटायरिकल टोन है और जो भी चर्च या चर्च से रिलेटेड जो लोग हैं आप देखेंगे कि किस टाइप से जो भी वाइजेस था उस समय का चर्च से रिलेटेड जो बुराइयां थी उनको वो बहुत ही लाइटली वे में कहते हैं बट दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ सेकेंड पैसेज में देख सकते हैं, हर सिंपैथीज एंड फीलिंग वेरी यूनिक एंड सी यूज टू इफ सी सॉ माउस इन अ ट्रैप। कहते हैं कि उनका जो सिंपैथी था यानी नन का, मैडम इगलटाइन का, उनका सिंपैथी और फीलिंग था वो डिफरेंट था। जैसे कि अगर जब कभी वो किसी माउस को ट्रैप में देख लेते थे या फिर देखती थी, या अगर वो माउस डेड है या उसे ब्लीडिंग हो रहा है तो वो काफी ज्यादा रोती थी। वहीं दूसरी तरफ इनके पास क्या था, लिटिल डॉग्स था और उन्हें वो खिलाती थी रोस्टेड मीट, मिल्क और फाइन व्हाइट ब्रेड। तो वो बता रहे हैं कि किस टाइप से उनका सिंपैथी और फीलिंग वो डिफरेंट था। एक टाइप से ये सटायर है नन पे या चर्च के लोगों पे। सी वोर ए ब्रोच एंड देयर वाज ग्रेवन ए क्राउन ए एंड लोअर एमोर विंसिट ओमनिया, दैट मींस लव कंकर्स ऑल। साथ ही साथ इनके पास एक ब्रोच था और उस पे जो उसका अपर पार्ट था उस पे एक क्रेप था और वहीं जो लोअर था उस पे लिखा हुआ था एमोर विंसिट ओमनिया व्हिच मींस लव कंकर्स ऑल। जो नेक्स्ट पिलग्रिम है या कैरेक्टर है वो है मॉन्क, ये भी इस पे भी सटायरिकल टोन है उनका लेकिन बहुत लाइटली वे में। वो लिखते हैं, चौसर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर वाज ए मॉन्क एंड हिज स्पॉट वाज हंटिंग। और इसका जो मेन काम था मॉन्क का जबकि होना नहीं चाहिए हंटिंग, लेकिन ये इनको पसंद था। एंड ही डिड नॉट रीड द टेक्स्ट व्हिच से दैट हंटर्स आर नॉट होली मैन। और मॉन्क का ये मानना था कि वो ये किसी भी टेक्स्ट को, वैसे टेक्स्ट को फॉलो नहीं करते थे जो ये कहता था कि हंटर्स आर नॉट होली मैन, हॉर्स राइडिंग वॉज इज फन। साथ ही साथ चौसर लिखते हैं कि किस टाइप से उनका जो फन था वो हॉर्स राइडिंग था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है एक क्लॉथ मेकर, जिन्हें एलिशन या वाइफ ऑफ बाथ भी कह सकते हैं। सो देर वॉज वर्दी वुमेन फ्रॉम बाथ सिटी, और ये जो क्लॉथ मेकर थी ये बाथ सिटी से बिलोंग करती थी एंड सी वॉज ग्रेट इन मेकिंग क्लॉथ।
हर फेस वॉज बोल्ड हैंडसम एंड रेड, और उनका जो फेस था वो हैंडसम था, बोल्ड था और रेड था। सी वॉज ए वर्दी वुमेन ऑल हर लाइफ एंड सी हैड फाइव हस्बैंड ऑल एट चर डोर। साथ ही साथ ये लिखते हैं किस टाइप से इन्होंने 5 शादियाँ की और सारे के सारे शादियाँ जो भी इनका चर्च से ही हुआ था। सी वॉज स्किल्ड इन वॉन्डरिंग एंड हैड डेयर टू से द ट्रूथ। साथ ही साथ ये काफ़ी बोल्ड थी और किसी भी ट्रूथ को सबके सामने ये कहती थी। सी लाइक टू लाफ चैट एंड रिमेडीज फॉर द लव मिस चांसेस। सो ये इनका नेचर था। इस टाइप से जो मेजर कैरेक्टर है उसके बारे में वो लिखते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग Chaucer's The Prologue of the Canterbury Tales. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.